इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। ऑस्ट्रेलिया भारत और पाकिस्तान के बीच ट्राई सीरीज का हुआ ऐलान। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर, साथ ही कब खेली जाएगी ये ट्रायंगुलर सीरीज बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि भारत पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रायंगुलर सीरीज खेली जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले रोमांचक मुकाबले का न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के फैंस बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको बता दें कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तो रोमांच अपनी चरम पर होता है। 2021 में भारत और पाकिस्तान की टीमें बस एक ही बार आमने सामने हुई थी। इसके बाद साल 2022 में इन दोनों टीमों का आमना सामना अभी तक कुल 3 बार हो चुका है। फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा मुकाबले देखना चाहती है। आपको बता दें कि एक बार फिर से अब भारत और पाकिस्तान के बीच हमें भिड़ंत होती हुई नजर आने वाली है। ये एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप में नहीं बल्कि एक ट्रायंगुलर सीरीज में भिड़ंत होती हुई नजर आ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है, जहां पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच ट्रायंगुलर सीरीज के आयोजन पर चर्चा चल रही है। साइमन ओ'डोनेल ने कहा है कि इस सीरीज को लेकर हम तैयारियां कर रहे हैं, साथ ही भारत और पाकिस्तान के बोर्ड के साथ यानी BCCI और PCB के साथ इस पर चर्चा चल रही है। जल्दी इस सीरीज को करवाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा है कि इस सीरीज को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, BCCI और PCB के बीच चर्चा चल रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि ये दोनों टीमें बायलेटरल सीरीज में नहीं भिड़ती है, लेकिन ऐसे में अगर ट्रायंगुलर सीरीज होती है तो फिर पाकिस्तान और भारत दोनों को ही आपस में मुकाबले खेलने होंगे, जो कि क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।